भाण में, भाजपा भाण में, जा भाण में, भाण में। अखिलेश सरकार जिंदाबाद। इस बार महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। नहीं, महंगाई कहाँ दिख रही है बताइए? डीजल पेट्रोल कुछ महंगा हुआ नहीं? फिर तो सही हो गया, उतना तो होना चाहिए। ठीक ठाक चल रही है, बस खाली हाथी बची और कुछ है नहीं, बस हाथी बची। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई हो गई है। आएगी तो बीजेपी, हवा तो बीजेपी की है। गाड़ी घर पर खड़ी है, गाड़ी के चलान हो गया। आदमी मोदी को वोट क्यों दिया? कुछ करेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि वो सब कुछ बेच देंगे ना। ये सब कर ही रहा है, अखिलेश भी वही करते, मायावती भी, कोई कौन नया करता है, उसी को चेंज करता है, कुछ ना कुछ निकल जा रहा है। यही काम किए योगी जी और मोदी जी। नमस्कार, लोकहित इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुझ कुमार। दोस्तों, यूपी में इस बार हवा किसकी है, ये जानने के लिए हम लोग पहुंचे हैं वाराणसी के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में, और ये संधा चौराहा है। चौराहे पर तमाम लोग यहाँ पे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार यूपी में हवा किसकी है, किसको लोग सत्ता पे बैठाना चाहते हैं, सत्ता की कुर्सी देना चाहते हैं, और वर्तमान की सरकार से कितने संतुष्ट हैं। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। आप भाई साहब यहीं से हैं? हम डॉक्टर हैं, बगल में मेरा हॉस्पिटल है। अच्छा, प्रियांशु नर्सिंग होम एंड हेल्थ केयर सेंटर, डॉक्टर सुधांशु तिवारी। तो तिवारी जी, ये बताइए कि यूपी में इस बार हवा किसकी लग रही है? आएगी तो बीजेपी, हवा तो बीजेपी की ही है। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन लोग कह रहे हैं कि काम धाम नहीं मिल रहा है। लोग के कहने से कुछ नहीं होने वाला है, लोग कहते रहे हैं, लेकिन आएगी तो बीजेपी ही आएगी। मतलब क्या, ऐसा कैसा लग रहा है आपको कि बीजेपी ही आएगी? ऐसा बीजेपी काम कर रही है ना, बीजेपी का देश पर... यूपी की अगर बात कर ले तो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है। आप कुछ काम बताएंगे, जैसे पांच काम योगी सरकार के जो अच्छे लगे? अच्छा, अभी ये बताइए, गरीबों को मुफ्त में राशन फ्री में मिला, मिला कि नहीं? लेकिन ये वो तो केंद्र सरकार का है ना, मैंने... अच्छा, केंद्र सरकार का, यूपी सरकार का पूछा। यूपी सरकार का हम बता रहे, अभी बनारस में देखिए रोड की स्थिति क्या थी। लेकिन रोड तो अभी भी बहुत खराब है बनारस। अच्छा, मान लीजिए आशापुर फ्लाईओवर के बगल वाला रोड ले लीजिए, पहले से तो बहुत सही हो गया कि नहीं हुआ? उसका वीडियो हमने किया, उसके बाद बना है। नहीं, उससे पहले भी बना था, ऐसा नहीं है कि नहीं बना था। उसमें बच्चे गिर गए थे, योगी जी आने वाले थे तो उसमें बना था। फिर आपको पता है वो फ्लाईओवर का फीट छोटा हो गया है? हाँ, वो 100 या 150 मीटर छोटा। घोटाले की जाँच क्यों नहीं कर रहे? जिसमें नागेश्वर भैया सामने आके बोले थे। अच्छा, आप देखे? अरे, मेरा तिलमापुरी मकान भी है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जैसे मान लीजिए एक रोड की बात हो गई, वैसे ज्यादातर जो प्रोजेक्ट है वो पुरानी सरकार के हैं, इसके बाद कुछ और बताइए यूपी के सरकार के काम। गरीबों को आवास मिला है, वो भी ऊपर का है, मोदी जी का काम है। अच्छा, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास। और ये जो लाइटिंग घर घर शौचालय बना है, ये तो भी उनका काम है। आप जो गिनवा रहे हैं सब केंद्र सरकार का है, यूपी की सरकार का बताइए। जैसे अखिलेश यादव कहते हैं कि हम लैपटॉप बांटे थे, योगी जी तो बोले हैं हम लैपटॉप बांट रहे हैं, बोल रहे हैं ना, फार्म भरा जा रहा है। अब तो ये तो चुनावी स्टंट माना जाएगा ना? नहीं 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 भाई, एक दो महीने बाद चुनाव है, अब आप कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। योगी सरकार में सभी बच्चों का स्कॉलरशिप आया है, जितने भी बच्चे, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? हम खुद हमें लगातार बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि हमको मिल रहा है। 4 साल से हमारे साथ वाले बच्चों को आ रहा है। तो स्कॉलरशिप तो पहले भी था? पहले उतना नहीं आता था, हम जनरल कैटेगरी के, जनरल का उतना नहीं मिलता था। हम बीएमएस फाइनल किए, फाइनल ईयर था, हमको 80,000 स्कॉलरशिप मिला है। लेकिन ओबीसी एससी एसटी वाले बोल रहे हैं कि हमको कम मिला, नहीं मिला है। अब तो भाई बोलने वाला है, काम बोलेगा ही। काट के यहाँ जोड़ दिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, और मान लीजिए दो हो गया, और कुछ इसमें आपने कुछ नया नहीं बताया है ना? नया क्या बताएंगे, जो सरकार कर रही वही ना बताया जाएगा, नया कहाँ से बताया जाएगा? मतलब कुछ सरकार अपना गिनवाती है ना कि हमने नया काम किया। अब जैसे अखिलेश यादव 100 नंबर दिए थे, वो नया काम था, 100 को 112 कर देना, तो 112 कर देना सही, नया काम तो है नहीं? बिल्कुल है, ये नया है, बिल्कुल नया है। अच्छा, मतलब आपने नई बात बता दी। आपके गांव का क्या नाम है? आशापुर है, आशापुर न्यू कॉलोनी है। अच्छा, तो आशापुर का नाम अगर निराशापुर कर दें तो वो नया हो जाएगा? बिल्कुल नया हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये भी एक विकास के काम में गिना जाए। लड़का जो पैदा होता है उसका भी एक नाम रहता है, एक आदमी और नाम रख देता है तो भी नया हो जाता है। नया हो जाता है, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा काम है, तो सरकारें फिर सबका नाम बदलते रहे। और वही सब कर ही रहा है, अखिलेश भी वही करते, मायावती भी, कोई कौन नया करता है, उसी को चेंज करता है, कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है, और क्या करेगा। तो यानी कि नाम बदलने को भी विकास मान लिया जाए? बिल्कुल मान लिया जाए। इसे लॉकडाउन में सबसे ज्यादा कमाई डॉक्टरों की हुई है ना, आप भी उसमें शामिल थे? नहीं, शामिल नहीं थे। देखिए, हम तो गरीबों के लिए बहुत किए, मेरे पास 2 वेंटिलेटर था, हम मंगाए थे, मेरे पास था नहीं, लेकिन गरीबों के लिए हम बहुत किए लॉकडाउन में। COVID-19 में मंगाया था? हाँ। अच्छा, दूसरे जगह से मंगा के हम इलाज किए, फिर वो वापस किए। गरीबों का हम बहुत
उपकार किए हैं। अभी जैसे जो मुफ्त राशन है वो बंद होने वाला है, हाँ, बंद होने वाला। बाकी देश में बंद हो रहा है, यूपी में अभी दो तीन महीना और मिलेगा, हाँ। तो बंद होने से जो गरीब वर्ग है उसको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो अब वो काम धाम करे ना गरीब वर्ग, काम तो नहीं मिल रहा है ना। काम क्यों नहीं मिल रहा है? अरे जो राज अभी अभी आपके बगल में कुछ मजदूर लोग थे, कह रहे थे महीने में तीन दिन चार दिन काम मिल रहा है, काम अगर मिलेगा ही नहीं तो करेंगे काम? देखिए वो सब दारू पीने वाले हैं, उन सबको दिन में कमाएंगे शाम को दारू पियेंगे। दारू तो बड़े बड़े लोग भी पीते हैं। नहीं तो उन सबका पर डे का है ना, वो काम करेंगे 500 का 200 का पी जाएंगे, 300 रुपया बचेगा घर पे लगा देंगे। वो काम मिलना चाहिए ना? तो मिल रहा है सबको, काम मिल रहा है भैया, ऐसा कुछ नहीं काम नहीं, बेरोजगारी नहीं है इसका, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। महंगाई है कि नहीं? वो भी नहीं। महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। नहीं महंगाई कहाँ दिख रही है बताइए? डीजल पेट्रोल कुछ महंगा हुआ? नहीं, फिर तो सही हो गया, उतना तो होना चाहिए ना, होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं कि 500 रुपया हो जाए तब भी कोई? बिल्कुल हम भी कह रहे हैं 500 हो जाए में कोई आपत्ति नहीं है। आपको कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है। आपके पास पैसा? नहीं पैसे की बात नहीं है, हम बताए मान लीजिए कि कपड़ा महंगा हो, कपड़ा नहीं पहन रहे हैं, कपड़ा पहनेंगे कि नहीं? कहीं किसी न किसी मत से कम करेंगे ना, बाल बढ़ जाएगा, बाल कटवाएंगे कि नहीं कटवाएंगे? मजबूरी वाली बात। तो बस वही मजबूरी है कि गाड़ी में तेल डलवाएंगे। अब अगर सरकार आपको मजबूर कर दे कि आप 10 रुपया बचा रहे तो बचाना छोड़ दीजिए, जब कमा रहे सब खत्म कर दीजिए, तो फिर ऐसी सरकार क्या मतलब है अगर आप मजबूरी में जीने लगे? ऐसा कुछ नहीं है, मजबूरी नहीं है, सब सही है, अपने जगह पे सब कमा रहा है, सब मस्त है। अच्छा यूपी चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, मतलब हिंदू मुस्लिम होगा कि नहीं होगा? हिंदू मुस्लिम तो शुरू से होते आया है, कोई आज थोड़ी ना हो रहा। आप लोग क्या देख के वोट देंगे, हिंदू मुस्लिम? नहीं हम लोग विकास देख के वोट देंगे और क्या। हिंदू आप विकास का कोई काम गिनवा नहीं पाए योगी जी का। आप योगी फैन है फिर भी आप बता नहीं रहे, बताइए कैसे समाजवादियों को बसपाइयों को कैसे बताया जाएगा कि कौन सा काम अच्छा हुआ है? बता दिया जाएगा ना, कहे परेशान है। लेकिन आप नहीं, सबका अलग अलग भावना है, सब अपने जगह पे सही है, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, होती हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इनका कहना है कि योगी जी ने बहुत काम किया है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। बताइए क्या किए, कोई काम उनका बताइए तो हम बताए। बता तो रहे हैं कि सड़क वड़क बन गई है, एकदम अच्छी हो गई। केवल सड़क बनाए हैं कि जो 100 की रफ्तार में जा रहा है आदमी तुरंत निपट जा रहा है, यही काम किए योगी जी और मोदी जी। तो सड़क तो बननी चाहिए, तो अच्छी बात है। बननी चाहिए तो कैसी बननी चाहिए, बस जा रहा है 100 के ऊपर, उसका स्टेटस गिर ही नहीं रहा है, चढ़ते जा रहे। सड़क बनाए सिर्फ कमाने के लिए, भाई बोरा का बोरा नोट आ रहा है। लेकिन सड़क तो जरूरी है ना, जरूरी तो है, जरूरी है, जरूरी तो है। मेरे को, मैं राजगीर मिस्त्री हूँ, 3 महीना बैठे हुए हो गया, काम नहीं मिल रहा, बोल रहा है कि बालू इतना महंगा है, थोड़ा सस्ता होने दो तो गिरवाएंगे तो काम चलेगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बहुत काम मिल रहा है, लोग करते नहीं है। आप बताइए, हम लोग तो कर रहे हैं, हम तो डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब गुस्से देंगे तो ले लेंगे, हमारे चाहे दिए ऐसी बात अच्छा, नहीं है। डॉक्टर साहब एक सुई लगा लेंगे और दूसरा रुपया हाँ, हाँ, हम मरते रहेंगे तब वो लगा के वो रोक लेंगे। तो डॉक्टर साहब है, ये बात नहीं है, बहुत गरीबी है, बड़ी गरीबी है। अच्छा हाँ? उनके पास पैसा है तो उनको दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे लोग को तो बहुत दिक्कत है। ये महीना में 5 किलो यूनिट दे रहे हैं, हम लोग गेहूँ चाउर चबाएंगे, वो भी बंद होने वाला है, बंद होने वाला है। बताइए हम लोग गेहूँ चाउर चबाएंगे कि उसमें तेल मसाला दाल कुछ आएगा? जब कमाई नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या देंगे? अच्छा तेल भी महंगा हो गया क्या? हर चीज हो गया, काफी हो गया, इसका तेल का रेट बहुत काफी हो गया है। आलू महंगा हो गया, बताइए कहाँ से? टमाटर महंगा हो गया, 80 रुपया केजी मिल रहा है टमाटर। तो जैसे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि लोग किसान जो है सरसों उगा, ना 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 ना, एकदम नहीं, अखिलेश सरकार जिंदाबाद इस बार। हाँ इसमें कहाँ से ही साढ़ बचवा छूटे हैं, सब सरसों मरसों खा जा रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? हम लोग साढ़ बचवा छोड़ दिए, हम लोग रात रात भर अगोर रहे हैं। किसान से गरीब भारत में कोई नहीं है, सब एकदम बेकार है। उनके पास पैसा नहीं है, क्या करेंगे दिन भर गाँव में? अच्छा ये बताइए, आप लोग जो बात बता रहे हैं, लेकिन जो लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, तो क्यों कह रहे हैं कि अच्छा है? नहीं भाई, अब उनका विचार है, वो कहें, हम लोग को तो गिन रहे हैं, हम लोग बैठे हैं। आपके हिसाब से चुनाव में मुद्दा क्या होगा, महंगाई बेरोजगारी क्या होगा? महंगाई बहुत काफी है, सबसे ज्यादा महंगाई है, बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी तो है ही है, मैं 3 महीने से घूम रहा हूँ, 3 महीने पुराना बालू उठाओ, खत्म हो गया। आप रुकिए, बालू सस्ताएगा गिरेगा तो फिर काम लगेगा, 3 महीना से हम लोग बैठे हैं। अच्छा मान लीजिए चुनाव से पहले बालू सस्ता कर दिया जाए और काम मिलने लगे तो आप लोग फिर से भाजपा को वोट देंगे कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, एकदम भाड़ में, भाजपा भाड़ में, जा भाड़ में, भाड़ में। अच्छा चच्चर गाड़ी का मोटर मालिक है, गाड़ी कुछ चढ़े थे दरवाजे पर। कौन कौन सी गाड़ियाँ? चक्का ही सब जाना था,
और गाड़ी चलती रोड पर मोबाइल से चलान हो जाता है, एक लाख डेढ़ लाख खनन विभाग आ रहा है, आरटीओ चलान कर रहा है, गाड़ी घर पर खड़ी है, गाड़ी के चलान हो गया। अच्छा, हाँ, मतलब आपकी गाड़ी घर पे चलान हो गया। चलान हो गया, हाँ, तो ये डिजिटल इंडिया है ना। हाँ, डिजिटल इंडिया माँ के योगी मोदी के महात्मा से घर से बेघर कर दिया हम लोग को। चर गाड़ी के ओनर हैं हम, सब घर से बेघर हैं। अच्छा, ट्रक मालिक जो है जी, वो ये भी कह रहे हैं कि हम अपनी गाड़ी बेचना चाह रहे हैं लेकिन दाम नहीं मिल रहा है, ये भी है क्या? कबाड़ी में कट जा रहे हैं हीरा हीरा ऐसा गाड़ी कट जाती जाके आप देखला। हाँ, एक हमारे खड़ी हुई दरवाजे में जाके देखला। अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, वो अच्छी अच्छी कबाड़ में बेची, 18, 19 मॉडल, 20 मॉडल। हाँ, स्थिति इतनी खराब है ना, अभी जब तेल का दाम कुछ कम हुआ है तो कुछ असर हुआ क्या उससे? घटौल कौन कौन चीज भाव 100 रुपए के ऊपर डाक गल कौन जी घटौला है? तेल महंगा होने से नहीं, कौन जी घटौला है? आप कह सकता होगा भैया महंगा तो ही कहला, तो ही गिरावा, तो ही पूरा सरकार है। मौके की बात है, अभी चुनाव एक महीना रह गया, हम लोग लुभा रहे हैं, तेल लुभाने में नहीं हम लोग आएंगे। आप गाड़ी लेके रोड पर बाबू चला, कहीं पेड़ हो कहीं छा लेके मैंने रोड पर खाए दी, जब रोड बनल तब कितना पुलाई लग जाता हो, आराम करना ना बनल। ₹250 लगा था, अखिलेश जी क्या लग रहा है इस बार यूपी में हवा किसकी है? अखिलेश के सिवा कौन आएगा, जितनी महंगाई देख रहे हैं हर चीज देख रहे हैं। योगी जी से नाराजगी है? नाराजगी क्या मतलब, इनके जो विधायक मंत्री जो भी लोग रहे हैं अभी हम लोग क्षेत्र में आज तक आए भी नहीं। आपके विधायक मंत्री हैं अनिल राजभर जी, कभी आते हैं कि नहीं? हम तो अभी चुनाव के बाद कभी भी देखे नहीं। कुछ काम नाम किया उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए? काम हमने पेपर के माध्यम से जो सुना है वही तक हमको लगता है, काम तो कुछ नहीं हुआ है। काम जमीन पर नहीं, पेपर में? पेपर में देखते हैं, मतलब अभी हाल ही में हमने दिखाया था आशापुर का एक रोड जो कि पेपर में बन गया है 7 करोड़ में। जी जी, वही स्थिति है, वही स्थिति बस दिखा रहे हैं लोग, लेकिन काम क्या होंगे इस बार? महंगाई बेरोजगारी होगा मुद्दा चुनाव में मुख्य रूप से, तो वही मुद्दा है हमारे समस्या। अच्छा, ये बताइए चुनाव आते आते अगर हिंदू मुस्लिम हो जाए, हिंदू चाहे तो दंगे हो जाए, तो आप लोग बढ़ जाएंगे हिंदू मुस्लिम में कि नहीं? देखिए हम लोग युवा है और पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोग जानते हैं कि कौन कैसे कैसा कर रहा है, कौन क्या कर सकता है। यानी कि अब लोग हिंदू मुस्लिम में नहीं फंसेंगे? नहीं नहीं, यही इसी चीज फंस में तो हम लोग आज इस महंगाई को झेल रहे हैं, उसी में फंस के आज झेलना पड़ रहा है ना। जी बिल्कुल, स्थिति इतनी खराब हो गई है कि। अच्छा, मायावती की क्या हाल चाल है? मायावती जी तो ठीक ठाक चल रही है, बस खाली हाथी बची और कुछ है नहीं। बस हाथी बची, बस सिर्फ हाथी बचा। क्या बचा है? हाथी किसी का कुछ बचा नहीं, उनका तो चुनाव चिन्ह नहीं है। हाथी बचा ही है। अच्छा, जितने उनके कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सब सपा में विलय हो चुके हैं। अच्छा, और सपा में इतने हो जाएंगे वो, उनका साथ दिए तो अखिलेश यादव सोचे इन्हें उभार आ जाए, लेकिन तैयार हो गए, बोले कि हमें लोग वोट नहीं किए, समाजवादी पार्टी लोग वोट नहीं किए, जो कि उनको शायद 8-9 सीट मिली थी उस समय। अब उनके ही खुद विधायक क्या करते हैं? हम तो बिल्डर वाला काम करते हैं। आपका काम तो ठीक नहीं होगा इसमें एकदम बेरोजगारी, बालू इतना महंगा चल रहा है ना, एकदम कुतु महमे हो जा रहा है। काम का स्थिति है, क्या आप बयां कर सके हम? हाँ, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई हो गई है। और तो क्या लग रहा है कि कोई और आएगा तो महंगाई कम कर पाएगा? महंगाई देखिए विपक्ष में होना जरूरी नहीं है, अगर आदमी आएगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा। हाँ, अब आदमी मोदी को वोट क्यों दिया? कि कुछ करेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि वो सब कुछ बेच देंगे ना। क्या क्या बेचेंगे? अरे बहुत कुछ बेचोगे, एयरपोर्ट बेचे होंगे, रेलवे बेचे होंगे, बिजली बेचे होंगे, और ना जाने क्या क्या बेचने के चक्कर में होंगे। अच्छा, लाल किला भी रखे हैं शायद गिरवी, क्या दो। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि यूपी में जो बिजली मिल रही है जी वो हमारा काम है, तो जी बिजली की बात आपको बता रहे हैं, बिजली पहले भी आती थी उतने ही। हाँ, दरअसल जो 22 घंटे पहले आती थी बिजली, आज 20 घंटे हो गई है। जो 8 घंटे वाली बिजली थी उसको कन्वर्ट करके 24 घंटा में कर दिया गया है, तो बिजली कोई। अच्छा, अभी जो बिजली मिल रही है आपको मालूम, जैसे आप बोल रहे हैं कि समाजवादी सरकार आएगी, तो आपको पता है कि ये जो बिजली मिल रही है किसकी वजह से मिल रही है? बिजली तो उनकी थोड़ी ना मायावती, अरे मोदी जी थोड़ी ना बिजली दिए, पहले से बिजली आ रही है ना। हाँ, पहले कटती थी, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र था लोग, अब शहरी इलाके में तो शहरी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अखिलेश यादव ने 3 पावर प्लांट बैठाया था जिसकी वजह से बिजली मिल रही है। यहाँ दुकानदारों से भी जानते हैं कि इनकी क्या राय है। ये बताइए लॉकडाउन के पहले आपकी जितनी बचत थी अभी भी उतनी बचत है कि नहीं है? नहीं, अब तो एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। कैसे चल रहा है धंधा पानी? वही में चल रहा है, बस हल्का फुल्का चल रहा है, रोटी दाल चल जा रहा है। आपकी चीजें जैसे आप पान लगा रहे हैं, चाय बना रहे हैं,
तो इसमें क्या क्या चीजें मांगी हुई है? इसमें तो सबसे महंगा सुपारी हुआ है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद तो उसमें सब कुछ गुटखा पान ये सब तो उसी तरह भी है, सबसे महंगा सुपारी है। अच्छा, दूध वगैरह का रेट कुछ बढ़ा कि उतना ही है? दूध वगैरह तो उसी तरह है, दूध वही चल रहा है। मार्केट दूध एकदम खत्म हो गया एकदम, माने किसान वही रहेगा जी, वही उसका कुछ बढ़ने वाला नहीं है। 30-35 इस सीजन में 30-35 का केजी था, इस समय 60 या 50 का केजी है। अच्छा, माने दूध का सीजन। हाँ, बढ़ता ही है। खरी उरी इतनी महंगी हो गई है, इसलिए दूध का भाव बढ़ा दिए लोग, बहुत महंगी हो गई है। खेती महंगी हुई है, सस्ती हुई है? खेती में भी हम लोग जो लगा रहे हैं वो सब महंगा ना, कुल चीज सब चीज महंगा है सर, हम लोग एकदम परेशान है। कुछ मजा मिलता भी तो नहीं है, मतलब कोई सुविधा मिलना चाहिए। भाई हमारा वो हुआ था आलू, चढ़ गए साढ़ बैठा, एक तोर मार दिए, अब बताइए मेरा तो गया। योगी जी तो कह रहे हैं कि गौर अच्छा करना जरूरी है, तो गौर अच्छा तो चढ़वा में हम लोग भोगे हैं, और गौर अच्छा हो जाए यही तो बात है। क्या बताएं, ये हमने आपको दिखाया वाराणसी के सुपर विधानसभा क्षेत्र से, ये चौराहे पे तमाम लोग थे, इन्होंने अपनी अपनी राय रखी, कोई किसी के समर्थन में है, कोई किसी के समर्थन में है। बात यह है कि तर्कों पे टिक कौन पाता है, चुनाव में क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जनता की राय जो है वो हमने आपको दिखाई। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।